नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी लोग आए हैं आज नाइट मार्केट जो भी यहाँ पे आपका कैंट के पास बना हुआ है उसको देखने के लिए। तो ये देखिए पूरा नाइट मार्केट, तो अभी हम लोग रात में देखेंगे नाइट मार्केट कैसा लगता है। तो अभी करीबन 6 बज रहा है, हम लोग 6 ही बजे आ गए थे, तो करीबन धीरे धीरे लाइट हो रही है, धीरे धीरे लाइट देखिए यहाँ पे ऑन हो रही है, तो देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा लग रहा था तो एक बार हुआ कि आप लोगों के लिए इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए। और ये कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो आजकल लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो उसको प्लीज़ करिए, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से दुकानें बनाई गई हैं जो कि आप लोगों को धीरे धीरे अलॉट होगी। तो फूड मार्ट है, फूड की दुकानें हैं, और भी बहुत सी चेन्स रहेंगी, मोबाइल रिचार्ज ये सब है, पान की दुकान और सब जितने छोटे छोटे होते हैं सब लोगों को एक एक मिलेगा कि उन लोग यहाँ पे अच्छे से अपना दुकान चला चुके हैं। तो उससे एक इकोनॉमिक में बूस्ट होगी और दूसरी चीज़ की लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में। तो देखिए इस तरह से गवर्नमेंट का एक पूरा नाइट मार्केट के रूप में एक नई चीज़ देने के लिए है। और जैसे कि मान ली इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि कोई कैंट्स में भी आते हैं तो उन लोगों को कुछ देर में कहीं बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो यहाँ पे आके कुछ वो खाना पीना खाना हो, यहाँ पे कुछ अपना समय बिता सकते हैं। बहुत से यात्री रहते हैं ऐसे। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या बना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत, देखिए जेंट्स को दिक्कत नहीं होती लेकिन जो लेडीज़ होती हैं उनको दिक्कत होती है। और अगर ऐसा शौचालय बनता है आसपास कहीं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए आपका शौचालय भी बन गया है यहाँ पे। अभी तो क्योंकि ताला लगा है, ओपनिंग तो हो गई है, लेकिन अभी धीरे धीरे जब ये चालू होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा जो यात्री यहाँ पे आते हैं उन लोगों के लिए। और ये देखिए नंबरिंग कैसे की गई है कि ये जो आपका जितने पिलर हैं उनके हिसाब से नंबरिंग की गई है। तो ये P82 है, उसकी तरह आगे जाते जाएंगे तो P81 या 83 जैसा होगा, ये नंबरिंग इस टाइप से की गई है। तो देखिए ये कि एक छोटी सी एक मतलब आपको सैंपल दिखाते हैं कि कितनी बड़ी दुकान है, लगभग एक एवरेज साइज़। इसका साइज़ क्या है भैया, कुछ पता है कितना साइज़ है इसका, पता है साइज़ मतलब एरिया क्या है? साइज़ कंफर्म नहीं है, मतलब 10x10 का, 8x8 लग रहा है, 8x8 8x8 या 9x9 उससे ज़्यादा नहीं, तो उतना। ये दुकान 8x8 या 9x9 की है, तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं तो इन लोग से थोड़ा सा पूछते हैं क्या इन लोगों को दुकान, आप लोग की क्या दुकान अलाउट हुई है क्या? नहीं भैया, अच्छा तो दुकान अलाउट नहीं हुई है। अच्छा, अच्छा ये आप लोगों का घर है? बगल में घर है और हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग के नाम से अलाउट होगा, मगर अब देखिए कब तक होगा कोई, मतलब कि अलाउट कैसे हो रहा है भैया हम लोग को नहीं पता। नगर निगम से होगा, लॉटरी सिस्टम होगा कि कुछ, मतलब वो जो होता है टेंडर पास होगा? हाँ टेंडर द्वारा फार्म हम लोग भरे हैं, फार्म कितना ठेले वाले हैं, हाँ हाँ सारे लोग फार्म भरे हैं। अब 1000 ठेले वाले फार्म भरे हुए हैं जिसमें से 100-150 बना होगा, उसमें किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। चलिए अच्छा, जिसको मिलेगा उसके लिए फायदा है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टू व्हीलर पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, जो कि अपनी बाइक खड़ी है, वो अपनी ग्रीन वाली बाइक अपनी है और उसको बनाया गया है। और ये पूरा इधर भी पूरी लाइटिंग कर दी है, देखिए धीरे धीरे लाइट्स चालू हो रही हैं जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है। और ये हम लोग P71 और P72 के बीच में आपका टू व्हीलर स्टैंड है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर आके गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर भी फूड मार्ट और ऐसा समथिंग छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर भी अलाउट की गई हैं। और ये है श्री बालवीर महादेव का जो मंदिर है, लहरतारा ओवरब्रिज वाले जो यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया भगवान जी को, यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे इनके लगा दी गई है। और ये है सामने जो आप देख रहे हैं, ये आपका इसके P72 के सामने वाला जो है एकदम, ये है आपका कमलापति त्रिपाठी जो इंटर कॉलेज है उसके ठीक सामने सामने अभी हम लोग चल रहे हैं कैंट में, वाराणसी कैंट में। क्योंकि यहाँ पे भी लोग धीरे धीरे यहाँ पे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, छोटे छोटे लड़कियाँ देखो इन भी फ़ोटो खिंचवाने में लगी हुई हैं। P69 के पास हम लोग लगभग कैंट के पास धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे लाइटिंग्स और बढ़ रही हैं, तो ये और देखने में खूबसूरत लग रहा है।
चलिए आगे चलते हैं अभी। और ये देखिए यहाँ पे कुछ विलेज बनाए गए हैं, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, खूबसूरत लग रहा है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कैसा लग रहा है। ये है P61 एकदम ठीक सामने कैंट स्टेशन के, तो इसके ऊपर भी चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे अलग टाइप से कलाकारी की गई और ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसे बनाया गया है लोहे पे। तो ये देखिए ये है बनारस की वाराणसी कैंट स्टेशन, ये है वाराणसी कैंट स्टेशन, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये P63 यहाँ पे पड़ेगा और उसके आगे भी चलते हैं चौका घाट की साइड तक। बहुत लंबा है ये, बहुत बड़ा है उसका, उसको देखते हैं और कितना है ये नाइट मार्केट। कुछ दुकानें हैं जहाँ पे अभी भी काम नहीं चालू हुआ है, देखिए वहाँ पे चालू हो रहा है, बचा हुआ है उसको पूरा किया जा रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि हर चीज की अच्छाई नहीं कुछ बुराई भी बताना चाहूंगा। देखिए ठेकेदार जो काम करते हैं, तो ये अभी से ठीक से इसको बैठाया नहीं गया है, थोड़ा सा चलने में उबड़ खाबड़ है, इसको सही होना चाहिए था। और इसको भी कोई देखने वाला होना चाहिए कि ये जो पत्थर लग रहे हैं वो सब भी अच्छे से लगे, एकदम बढ़िया से फिट हो चलने के लिए, एकदम समझ में नहीं आना चाहिए कि ऐसा ही ऊंचा नीचा जैसा समझ में आ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे वाले पत्थर हैं, एक साथ वाले नहीं हैं, उसके कारण भी ये काम हो सकता है। देखिए कुछ और दुकानें हैं और यहाँ पे धीरे धीरे लाइट जल रही है। देखिए बनारस लोकल फूड जोन यहाँ पे हो सकता है, फूड की दुकान हो। ये लहरतारा आंध्रा पुल फ्लाईओवर के नीचे का भी इसमें विशेष दिया हुआ है, जगह जगह पेड़ भी लगाया गया है, तो इसका भी ध्यान रखा गया है कि छोटे छोटे पेड़ भी रहें भविष्य में। देखिए इतनी जगह है कि अगर ये बड़े भी होंगे तो एक आपका हो जाएगा। ये भी देखिए 8x8 या 9x9 की दुकान लग रही है, इसमें भी ठीक ठाक स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, इतने में एक अच्छी दुकान खुल सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवेज पे जो छोटे छोटे काउंटर होते हैं लगभग उतना ही बड़ा काउंटर है ये। तो देखिए ये कल्प वृक्ष के टाइप से एक वृक्ष बनाया गया है, इस पर देखिए यहाँ से लाइटिंग पड़ रही है, जैसे जैसे रात हो रही है बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए ये भी एकदम कैंट के सामने ये स्टेशन है और ये आपका ट्रेन है, इसी के ठीक सामने ये वाला, कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए और आगे चलते हैं, अभी तो बहुत लंबा है ये। यहाँ पे बनारस का प्रतीक जो कि है नाव, उसको बनाया गया है और नाव पे चढ़ने वाले भी देखिए आ गए हैं। एक तरह से अच्छा यूटिलाइजेशन है, ये देखिए ऊपर करके थोड़ा सा ऑटो रिक्शा पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है, कम से कम यहाँ पे 10 से 20 ऑटो दोनों साइड अगर लगते हैं तो 10-12 एक रो में आ सकता है अच्छे से। चलिए और तो अभी हम लोग चलते चलते देखिए बनारस का जो बस स्टेशन है वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे भी अभी शॉप ख़त्म नहीं हुई है, तो आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि कितना लंबा है ये।